हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे टेंस। हम जानते हैं कि टेंस तीन टाइप के होते हैं। आप भी जानते होंगे टेंस तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। इन तीन टाइप के टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। कोई काम अगर अभी तुरंत वर्तमान में हो रहा है तो वो आता है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में जो कार्य पहले से हो चुका है वो आता है पास्ट टेंस में। और फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में भविष्य में होने वाले कार्य को लिया जाता है। यहाँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सभी चार टाइप्स के होते हैं। देखिए हम देखते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस का होता है फर्स्ट स्टेप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह से प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो काम अभी होता है, हो रहा होता है, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई काम तुरंत उसी समय चल रहा होता है, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट में आएगा मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो वो आएगा परफेक्ट में। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा मैं स्कूल जा चुका रहा हूँगा, तो ये आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी तरह से पास्ट में भी फोर टाइप्स और फ्यूचर में भी फोर टाइप्स होते हैं। देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड है पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर फोर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे फ्यूचर में भी फर्स्ट फ्यूचर पर इंडेफिनिट सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हमें टेंस प्रेजेंट के चारों टाइप्स, पास्ट के चारों टाइप्स और फ्यूचर के चारों टाइप्स हमें पता है। अब हम इनको अलग अलग समझेंगे कि किस किस टेंस में क्या रूल होते हैं और उसके एग्जांपल्स के साथ हम इन्हें समझेंगे। आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। हम इन सभी को एक साथ देखते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है ये हम आसानी से समझ पाएंगे इससे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट आई वी दे यू ही शी इट या किसी का नाम हो सकता है जो कि सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो राइट ईट, ये सभी फर्स्ट फॉर्म्स हैं। प्लस एस या ईएस, एस या ईएस हम कहाँ लगाते हैं, हम एस या ईएस ही शी इट या किसी के नाम के साथ लगाते हैं। आई वी दे यू के साथ हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते। प्लस ऑब्जेक्ट होता है यहाँ। तो आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आई गो टू स्कूल, यहाँ पर आई के साथ हमने लगाया है गो टू स्कूल। गो में हमने एस या ई एस नहीं लगाया क्योंकि आई के साथ ई एस या एस नहीं लगता, आई गो टू स्कूल। सेम दूसरा एग्जाम्पल है ही के साथ हम लगाते हैं एस या ई एस, ही गोज, तो हमारा एग्जाम्पल बना ही गोज। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है इज आर एम,
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर इज आर एम में हमें ये देखना है कि इज आर एम को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आई के साथ हम एम लगाते हैं, ही शी इट के साथ हम इज लगाते हैं, और किसी के नाम के साथ भी हम इज लगाते हैं, और आर हम जब प्यूरल नंबर होता है जैसे कि दे वी इनके साथ हम आर लगाते हैं। तो यहाँ हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हम चेंज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, आई गो टू स्कूल, तो यहाँ आई एम गोइंग टू स्कूल, आई के साथ हमने लगाया एम, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने लगाया आई एन जी गोइंग टू स्कूल। ओके सेम दूसरे एग्जाम्पल ही गोज का हम इसी टेंस में चेंज करते हैं, ही इज गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आई वी दे के साथ हैव और बाकी ही शी इट और किसी के नाम के साथ हैज यूज होता है। तो यहाँ आई हैव गॉन वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म होगा गो वेंट गॉन, तो यहाँ गॉन टू स्कूल। इसी तरह हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को यहाँ यूज करेंगे सभी वर्ब्स के, हमें वर्ब के तीनों फॉर्म्स यूज याद होने जरूरी है इसके लिए। तो यहाँ एग्जाम्पल हुआ आई हैव गॉन टू स्कूल, सेम ऐसे ही ही के साथ हमने लगाया हैज, ही हैज गॉन। ओके नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, हैव हैज तो हम जैसे परफेक्ट में लगाया वैसे ही हम लगाएंगे, साथ में हम लगाएंगे बीन, हैव हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आई हैव बीन, गो से हुआ गोइंग टू स्कूल। ओके आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल ही हैज बीन गोइंग, ही के साथ हैज बीन एंड गोइंग। तो यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कभी कभी अंतर नहीं कर पाते। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम होता है हेल्पिंग वर्ब, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता हैव बीन और हैज बीन। तो हैव बीन और हैज बीन के साथ हम अगर आई एन जी देखेंगे तो वो सीधे सीधे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके अब अगर हमें इन एग्जांपल्स का नेगेटिव बनाने को कहा जाए, अगर इनका हम नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं आई गो टू स्कूल, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। ओके यहाँ पर हम आई डू नॉट या आई डोंट गो टू स्कूल लिखेंगे। तो यहाँ पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब ना होने पर हम प्रेजेंट है इसलिए हम यहाँ डू का इस्तेमाल करेंगे। इसी का हम अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट ओरिजिनल एग्जाम्पल का बनाते हैं आई गो टू स्कूल, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम लिखते हैं डू आई गो टू स्कूल। यहाँ पर हमारे पास डू हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम सामने ले आएंगे डू आई गो टू स्कूल। सेम ऐसे ही हम ही गोज का बनाते हैं नेगेटिव, ही डजंट गो, तो यहाँ डज गोज में से हमने लिया ईएस तो डू का हो गया डज, डजंट या डज नॉट गो। इंट्रोगेटिव होगा डज ही, डज को हम कैपिटल में लिखेंगे डज ही गो, डज ही गो, तो ये हुआ इसका इंट्रोगेटिव। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम प्रेजेंट टेंस होने पर वहां पर डू लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहां हम नेगेटिव लेंगे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एंड इंट्रोगेटिव हुआ एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल का नेगेटिव हम बनाते हैं ही इज नॉट गोइंग, एंड इंट्रोगेटिव होता है इज ही गोइंग। ओके ये तो सिंपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं परफेक्ट, परफेक्ट में हम नेगेटिव बनाते हैं आई हैव गॉन टू स्कूल का, ये होगा आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। केवल हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव होगा हैव आई गॉन टू स्कूल, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना हमें बहुत जरूरी है इंट्रोगेटिव के लिए। नेगेटिव हम ही हैज गॉन का बनाते हैं, ही हैज नॉट
गॉन. इंट्रोगेटिव हैज ही, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन, ये बन गया इसका इंट्रोगेटिव. नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम बनाते हैं नेगेटिव. आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल. तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन के बीच में हम लगाएंगे नॉट. आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल. इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव ही हैज नॉट बीन गोइंग. इंट्रोगेटिव होगा इसका हैज ही बीन गोइंग, हैज ही बीन गोइंग. तो ये था प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं और आपको इसके अलग अलग और एग्जांपल्स बनाकर इन्हें ट्राई करना है और याद रखने की कोशिश करना है. इन्हें हमें याद रखना है लेकिन समझते हुए याद रखना है, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट टेंस. फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ सब्जेक्ट है हमारे पास आई, वर्ब हमारे पास गो, गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल. ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट में. इसका हम पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इसके लिए आई, आई के साथ हम लगाते हैं वाज, आई वाज गोइंग. यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही होगा. सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. I was going to school. Okay. Next हम देखते हैं perfect tense. Past perfect tense में subject plus had plus verb का third form plus object होता है. तो यहाँ example बनेगा I had gone to school. यहाँ पर I had gone to school. Next है past perfect continuous. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगाया जाता है. तो यहां बनेगा आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल. अब इसका हम बनाते हैं नेगेटिव. तो नेगेटिव में होगा आई डिड नॉट, आई डिडंट गो टू स्कूल. यहाँ पर हमारे पास वेंट से हो जाता है ये गो, क्योंकि हमारे पास वेंट सेकंड फॉर्म में, यहाँ पर डिड हमारा सेकंड फॉर्म में आ गया. डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, तो यहाँ डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल. इन इंट्रोगेटिव यहाँ हम डिड को सामने ले लेंगे, डिड आई गो टू स्कूल. तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब डिड सामने लिया. यहाँ पर वेंट होने से हमें पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ डिड को बाहर लेंगे और वेंट का हो जाएगा गो. यहाँ प्रेजेंट में डू को हम लेते हैं, डू हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में यूज करते हैं, और पास्ट में हम यूज करते हैं डिड. अब यहाँ पर हम नेगेटिव बनाते हैं आई वॉज गोइंग टू स्कूल का. आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल. इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम इसका वॉज I going to school. Was I going to school? हमने केवल was को सामने लिया है, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज हम लिखेंगे. परफेक्ट टेंस हम देखते हैं I had gone to school. तो यहाँ had के बाद हम लगाएंगे not. नेगेटिव में I had not gone to school. इंट्रोगेटिव हम देखते हैं had I gone to school. Next है perfect continuous. यहाँ perfect continuous में हम बनाते हैं negative. I had not been going to school. And interrogative हम देखते हैं had I been going to school.
ओके। इसके बाद हमने दूसरा एग्जांपल लिया था, एग्जांपल नंबर टू, ही के साथ हम गो का करते हैं वेंट। अब यहां पर इन द पास्ट टेंस वेंट में एस या एस नहीं लगता, ओनली ही वेंट, केवल प्रेजेंट टेंस में ही एस या एस लगाया जाता है। यहां होगा ही वेंट, इसका हम करते हैं नेगेटिव, ही डिड नॉट गो। यहां पर हमने वेंट में से सेकेंड फॉर्म डू का निकाला डिड, ही डिड नॉट गो। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डिड ही गो, ये बना इसका इंट्रोगेटिव। यहां हम देखते हैं ही वाज, ही के साथ हमने लगाया वाज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गोइंग, ही वाज गोइंग, इसका हम बनाते हैं नेगेटिव, ही वाज नॉट गोइंग। इंट्रोगेटिव, वाज ही गोइंग। एंड अब हम आते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में ही हैड, यहां पर हैड कॉमन हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही शी इट आई वी दे सभी के साथ हैड लगाया जाता है। ही हैड गॉन, यहां पर ही हैड गॉन होगा, नेगेटिव में होगा ही हैड नॉट गॉन। एंड इंट्रोगेटिव होगा हैड ही गॉन। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, ही हैड बीन, यहां पर अब हैड प्लस बीन लगाना है हमें, तो ही हैड बीन, यहां पर भी हैड हमारा कॉमन होगा, आई वी दे यू ही शी इट नाम सभी के साथ हैड लगाया जाता है। आई हैड बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, नेगेटिव इसका हम देखते हैं, सॉरी ही हैड बीन गोइंग, ही हैड नॉट बीन गोइंग। एंड इंट्रोगेटिव में हैड ही बीन गोइंग। हमने यहां इंट्रोगेटिव के लिए सिर्फ हैड को सामने लिया है, बाकी ही बीन गोइंग हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये था पास्ट टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर टेंस, डेफिनेट टेंस। फर्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं हम एग्जांपल, आई विल, आई के साथ हमेशा विल होता है, आई विल गो, आई विल गो, ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आई विल गो टू स्कूल था यहां हमारे पास, आई विल गो टू स्कूल। हम अब इसका कंटिन्यूअस बनाते हैं, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। यहां पर हमें सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लेना है, तो आई विल बी गोइंग टू स्कूल। ओके, आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई, यहां पर सब्जेक्ट आई है प्लस विल हैव शैल हैव, तो हम इसके लिए लेंगे विल हैव, आई विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म गो का होता है गॉन, आई विल हैव गॉन टू स्कूल। ओके, यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम आते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ओके, अब हम इनका करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव के लिए यहां पर आई विल गो टू स्कूल का होगा विल आई गो टू स्कूल, एंड इंट्रोगेटिव में हम करेंगे, सॉरी यहां पर आई विल नॉट होगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, और इंट्रोगेटिव होगा विल आई गो टू स्कूल। ओके, अब हम यहां नेगेटिव करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, आई विल नॉट बी, यहां पर विल और बी के बीच में हमें लगाना है नॉट, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में विल आई बी गोइंग टू स्कूल। हमें यहां कोई चेंजेस नहीं करना, ओनली हमें हेल्पिंग वर्ब को
सामने लाना है, तो हमारा बन जाएगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट में हम देखते हैं नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव के लिए आई विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, एंड इंट्रोगेटिव विल आई हैव गॉन टू स्कूल। ओके, विल आई हैव गॉन टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं नेगेटिव, आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव विल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत आवश्यक है। तो ये हुआ फ्यूचर के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं ही के साथ हम लगाएंगे शैल, ही शैल गो, इसका नेगेटिव होगा ही शैल नॉट गो, और इंट्रोगेटिव होगा शैल ही गो, शैल ही गो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम सेकंड एग्जांपल ही शैल बी गोइंग, ही शैल बी गोइंग, नेगेटिव शैल ही बी गोइंग, एंड इंट्रोगेटिव होगा, सॉरी यहां पर मैंने इंट्रोगेटिव बना दिया, यहां पर होगा ही शैल बी, शैल नॉट बी गोइंग, और इंट्रोगेटिव होगा शैल ही बी गोइंग। यही हमें ध्यान रखना होता है, हमें नेगेटिव की जगह नेगेटिव ही बनाना है, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, हमें ये चीज ध्यान नहीं होती है। तो यहाँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये होंगे, और यहाँ होगा ही के साथ हम लगाएंगे शैल हैव, शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, शैल हैव गॉन, नेगेटिव होगा इसका ही शैल नॉट हैव गॉन, इंट्रोगेटिव शैल ही हैव गॉन, एंड यहां होगा ही शैल हैव बीन गोइंग, ही शैल हैव बीन गोइंग, नेगेटिव होगा यहां ही शैल नॉट हैव बीन गोइंग, एंड इंट्रोगेटिव होगा शैल ही हैव बीन। यहां पर ही के साथ हम हैज का यूज करेंगे, शैल हैव एंड विल हैव, सॉरी यहां पर शैल की वजह से हैव का यूज होता है, तो यहां शैल ही हैव बीन गोइंग, बिल्कुल सही है ये, शैल ही हैव बीन गोइंग, तो यहां पर ये बना इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। तो आप और एग्जांपल्स सेंटेंस लेकर यहाँ पर बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और इसे समझ के याद रखिए। तो स्टूडेंट्स, ये था टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ ग्रामर के और पार्ट्स। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।